हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे के किचन में। रेनू की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आशा है आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों, अगर घर में गेस्ट आ जाए या फिर बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी आज मुझे भाई भटूरा ही खाना है, तो फिर आप झटपट भटूरा बनाने की विधि तो चाहिए ही ना। क्योंकि भटूरा तो बनाने के लिए उसे अगर नॉर्मली जो बनाते हैं उसको तो बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। आटा गूँथ के रखिए, फिर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। तो चलिए आइए, जो फटाफट बना सकते हैं उसकी रेसिपी हम बताते हैं आपको। तो ये हमने 5 ब्रेड लिया है और इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अब इसको हम पलट लेंगे और इसके बाद हम करीब 250 ग्राम मैदा लेंगे और मैदे में हम इस ब्रेड को पीस के रखे हैं उसको हम पलट लेंगे। उसके बाद हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और ये आधा चम्मच हम इनो पाउडर डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप नमक कम डालना चाहते हैं तो वह आपके पे है कि आप कितना नमक यूज करना चाहते हैं। उसके बाद मिलाने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच हम दही ऐड कर देंगे, जो ये बड़ा वाला चम्मच है इसी से, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि दही भी तो लिक्विड ही होता है, तो इससे इसको गूँथने के लिए पहले मिला लेते हैं। उसके बाद जितना पानी लगेगा हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे ताकि एक गीला ना हो, इसीलिए हम पहले मिलाने की बात बोले थे। और फिर थोड़ा थोड़ा ही पानी करके आप इसको गूँथिए, नहीं तो फिर ये गीला होने का डर रहता है अगर ज़्यादा डाल दीजिए तो, क्योंकि दही पहले से है। और इस तरीके से हम इसको गूँथ के एक डो तैयार कर लेंगे। पटक पटक के इसको गूँथना है अच्छे से। उसके बाद हम इसको ढक के करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद हम उसको उसमें जो है तेल लगाएंगे करीब 1 चम्मच और उसको फिर से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे इसको फिर से ऐसे फेंट के। उसके बाद हम उसको एक साइड रखेंगे और उसमें से हम लोइयां तोड़ लेंगे। और लोई इस तरीके से बनाना है आपको, इस तरीके से। और फिर जो है इसको गोल करके हम पेड़ा जैसा बना लेंगे और फिर चिपटा करेंगे इसको हम। पहले जो जिस पे हमको बेलना है उस पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे, क्योंकि आटे का हमको यूज नहीं करना है, तो इसलिए हम तेल डाल के उसको पहले फैला लेंगे। उसके बाद जो हमने लोई बनाई है उसको उस पर डाल के हम इसको बेल लेंगे। और ये बहुत ही आराम से बेल लेते हैं इसको, क्योंकि मैदा वाला जो आप बेलिए ना तो वो फिर सिकुड़ जाता है, ये उतना ब्रेड होने की वजह से सिकुड़ता नहीं है जल्दी। और ये बनता भी बहुत ही ज़बरदस्त है, भटूरा बहुत ही खिला खिला सा होता है। तो देखिए हमने बेल लिया है और अब हमने जो है तेल गरम कर लिया है, तो गरम तेल में ही इसको डालना चाहिए तभी ये खिलेगा। तो देखिए ये खुद ही बाहर आने लगा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये आराम से ये जो है खिल जाता है, बिल्कुल फूल जाता है ये भटूरा। ये देखिए बिल्कुल फूल गया, ये देख लीजिए। अब इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, उसके बाद हम पलट लेंगे इसको। अब इसको हम पलट लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर एक तरफ से सीख गया है तो पलट लेंगे उसको और फिर दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे और देख लेंगे कि वो सीख गया है। फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्ती भटूरा बना है। देखिए देखने से भी लग रहा है कि इसमें ऑयल नहीं है, देखिए बिल्कुल ये चिपचिपा नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से हम बाकी भटूरे भी तल लेंगे। और ये सारे भटूरे बहुत ही अच्छी तरह से खिल जाते हैं, ये देखिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको भी बाकी सारा भी जितना आटा बचा है उसका भी हम इसी प्रकार से तल लेंगे। और ये देखिए कितना खिला हुआ भटूरा बिल्कुल तैयार हुआ है, ये देखिए। देखिए अंदर से भी बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा है ये, है ना, बिल्कुल सेहतमंद भी है और स्वादिष्ट भी है। देखिए हाथों में भी तेल नहीं लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आप इसको सब
छोले के साथ चने के छोले हैं, काबली चने हैं, काले वाले चने हैं, जिसके भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में सैलेड भी डाल दीजिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा छोला भटूरा। तो दोस्तों, ये आपको पसंद आया ना अगर हमारा रेसिपी, तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो दोस्तों, आप भी बनाइए इस तरीके से और लुत्फ़ उठाइए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आप भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, फैमिली भी खुश होगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू हो जाइए। तो आपने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिएगा।